Hey guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with a brand new episode of Bottle Art. And in this video, I'm going to make this bottle. So without wasting any time, let's just start the video. The first thing you will need is a glass bottle, white acrylic color, flat brush number 8 or 6. अब ये फ्लैट ब्रश से इस बॉटल को मैं कलर देने वाली हूँ. सी, दो कोट्स के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. तो अब आता है मार्किंग का पार्ट. उसके लिए एक मेजरिंग टेप लेके आप मेजर कर लो पूरा, ये जितना भी है, और उसको डिवाइड कर लो आपको जितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड करना होगा. मैंने जो पार्ट्स में डिवाइड किया था उसका आया था 2.5 सेंटीमीटर, तो मैंने 2.5 सेंटीमीटर पे मार्किंग किया लाइक दिस. बट फिर भी जो एग्जैक्ट मार्किंग नहीं था, ऐसे ले लिया था तो थोड़ा डिफरेंस आ गया, तो उतना एडजस्ट कर सकते हो आप. अगर थोड़ा छोटा कम ज़्यादा भी हो जाता है तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल इसमें. तो इट्स नॉट लाइक कि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो जस्ट रिलैक्स. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो दो पॉइंट्स है उसके बीच का पॉइंट आपको मार्क करना है 45 डिग्री पे. अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं मार्क कर सकते तो आप स्केल से ले लेना, बट इट्स वेरी इजी. उसके बाद एक पेपर लो. पेपर ऑलरेडी 90 डिग्री का उसमें एंगल होता है, तो हम पेपर को यूज़ करके एग्जैक्ट एंगल ला सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी. जैसे अभी मैंने ये पेपर पकड़ा हुआ है, अगर आप एग्जैक्टली पकड़ के नहीं रख सकते हो ऐसा एग्जैक्ट, तो आप मास्किंग टेप लगा के भी कर सकते हो. मतलब एक पोजीशन पे उस पेपर को रख के फिर मास्किंग टेप लगा के उसको फिक्स कर दो, एंड उसके बाद फिर पेंसिल से लाइंस मार्क कर लेना. बट हर बार अगर आप मास्किंग टेप से करते हो तो आपका बहुत टाइम जाएगा, तो ट्राई करो कि जो हाथ से ही आप उसको फिक्स करना, तो वो ज़्यादा जल्दी हो पाएगा. तो ऐसे हर एक पॉइंट से हमने मार्किंग कर लिया है. अब ये जो लाइंस है वो हमें एक्सटेंड करनी है, तो सेम पेपर को ऐसे पकड़ के, मतलब लाइन को ऐसे पकड़ के हम आगे एक्सटेंड करने वाले हैं वो लाइंस. हर एक लाइन को हम पैरेलल लाइन बनाएंगे. बॉटल का शेप जहाँ तक चेंज नहीं हो रहा है वहाँ तक. अब यहाँ से तो बॉटल का शेप चेंज हो रहा है, तो वहाँ से हमारी जो लाइंस है उसमें जो जितना डिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा. सी, अभी जो मैं कर रही हूँ मैं डायरेक्टली हाथ से कर रही हूँ, बिकॉज अभी हम पेपर का यूज़ नहीं कर सकते. अगर आप पेपर यूज़ करते हो तो आपके लाइंस कहीं भी जाएंगे. तो जस्ट जो भी लाइन हमने बनाई है उसको स्ट्रेट स्ट्रेट बनाते जाओ. और जैसे कि अभी तक हम पैरेलल लाइन बना रहे थे, हमें अब पैरेलल लाइन नहीं बनानी है, हमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस उसका कम करते जाना है ऊपर तक. ये दोनों लाइंस में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम करते करते हर एक लाइन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ. और रफ लाइंस डालो, अभी डार्क मत करो. अगर आप ऐसे ही अभी डार्क कर दोगे तो आप रफ नहीं कर पाओगे ठीक से, या फिर कर भी पाओ तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. सो जस्ट एकदम रफ और एकदम लाइट लाइंस बनाओ, ताकि अगर आप कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ शेप अच्छा नहीं लगता है बाद में, तो आप कर सकते हो. अभी मैं जो शेप है जहाँ जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गलत लग रहा है वो मैं ठीक कर रही हूँ. जो वाइट एक्रेलिक कलर होता है इट्स लाइक अ कैनवस. जब पूरी लाइंस बना के हो जाए उसके बाद हम वो लाइंस लाइट करने वाले हैं. सब पूरी लाइंस लाइट कर दो, एंड देन ये जो कलर है स्काई ब्लू कलर है, वो 20 रुपीज़ का आता है एक्रेलिक कलर. ये मैं फ्लैट ब्रश से दे रही हूँ. अभी हम रैंडम ब्लॉक्स लेंगे.
नंबर 4 या नंबर 2 का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, फ्लैट ब्रश। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं कोई भी रैंडम ब्लॉक उठा के उस पर स्काई ब्लू कलर दे रही हूँ। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि कोई भी ब्लॉक, सेम कलर का ब्लॉक साथ में ना आए। सो सी, अभी एक कोट तो हमारा हो गया है कलर का, इसमें पूरी तरह से स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। अब ये वाला जो है वो अलग शेड है ब्लू का, वो स्काई ब्लू था, और ये वाला जो है वो लाइट ब्लू है। ये भी इसी तरह से हम देने वाले जैसे हमने स्काई ब्लू दिया था। अब इसके बाद आप देख रहे हो सब स्ट्रोक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो लाइट ब्लू है उसके इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, बट स्काई ब्लू के बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट दूसरा कोट देने की ज़रूरत तो है, सी द डिफरेंस। दूसरा कोट देने के बाद बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है, कोई भी स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे, तो आपको दूसरा कोट देना ही पड़ेगा। एंड देन ये वाला जो ग्रे कलर है वो मेरे पास बहुत बड़ा बॉटल है, बट यू कैन यूज़ दिस वन। ये बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँगी, उसमें थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर डाल के, एकदम थोड़ा सा। एंड सेम जो हमने बाकी दो कलर्स के साथ किया, वही मैं इसके साथ भी हर अलग अलग ब्लॉक्स में, जो बड़े वाले ब्लॉक्स है उसके लिए आप 4 या 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहे हो। 4 आई गेस 4 इज़ फाइन, एंड जो छोटे वाले उसके लिए 1 एंड 2। अब उस ग्रे को मैंने थोड़ा और लाइट किया, मतलब हमारे ब्लू के 2 शेड्स हो गए एंड ग्रे के भी 2 शेड्स है, और वाइट कलर। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 5 शेड्स यूज़ किए, 5 कलर्स यूज़ किए, वाइट, ग्रे, लाइट ग्रे, स्काई ब्लू एंड लाइट ब्लू। ये 5 कलर्स में ये पूरी बॉटल हो जाती है। बट ट्रस्ट मी, जितना टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि इतना फास्ट हो गया, उतना फास्ट वो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। हर एक कलर के आपको 2-2 बार कोट देने पड़ते हैं, बिकॉज फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए तो आपको 2 कोट तो देने पड़ेंगे, एंड इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इट्स टाइम फॉर वार्निश। अब इसके लिए मैं मैट वार्निश चूज़ कर रही हूँ, बिकॉज जो लास्ट वाली बॉटल थी उसको मैंने ग्लॉस वार्निश दिया था, तो मुझे इसका मैट लुक भी देखना है। तो लेट्स सी कि मैट अच्छा दिखता है या ग्लॉस अच्छा दिखता है। ये जो वार्निश मैं दे रही हूँ वो है लिटिल बर्डी का वार्निश, मैट वार्निश। ये सेम ग्लॉस फिनिश में भी आता है, इसका प्राइस है 250 रुपीज़, एंड ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। सी, ये वाला जो बॉटल था लास्ट टाइम, उस पर मैंने वुड वार्निश दिया था, तो वुड वार्निश की फिनिश बहुत ग्लॉसी होती है। तो सेम बॉटल ग्लॉस फिनिश एंड दिस वन इज मैट फिनिश। अब हमारा पूरा वार्निश ड्राई हो चुका है एंड उसकी शाइन निकल गई है, सो इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ। सो गाइज, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैट और ग्लॉस। एंड इस बॉटल का ये फाइनल लुक है। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। Try this and share your creations with me on my Instagram profile. So guys, that's all for now. If you like this video, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so that you will get notifications whenever I will upload any video. So see you in the next video. Till then, bye bye.